फ्रेंड्स तो हाय फ्रेंड्स, मे आई बिलीव दैट यू आर फाइन। सो हमारे द्वारा जो एक कंटिन्यू सेशन आपके लिए किया जा रहा है, इस सेशन में जो पृथ्वी की रोचक जानकारियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो जानकारियां आपको बताई जाती हैं। तो उन्हीं रोचक जानकारियों के साथ आज एक और रोचक जानकारी आपके लिए लाई गई है, और वो रोचक जानकारी है विश्व की प्रमुख नहरें। तो ये हैं विश्व की प्रमुख नहरें फ्रेंड्स, ठीक है, विश्व की प्रमुख नहरें। तो देखें दोस्तों, ये विश्व की प्रमुख नहरें हैं, और अगर हम बात करें शू नहर की तो पहला नाम आता है ये शू नहर। शू नहर है यूएसए में, ठीक है, शू नहर यूएसए में है। और ये कौन कौन सी झील को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है सुपीरियर झील एंड हुरन झील, ठीक है, सुपीरियर एंड हुरन झील को, सुपीरियर एंड हुरन झील, ठीक है, सुपीरियर एंड ह्यूरन झील को ये शू नहर जोड़ती है। एंड एट लास्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईरी नहर, तो ईरी नहर भी यूएसए में ही है, अमेरिका में ही है, ठीक है। ईरी नहर, और ईरी नहर की बात करें तो ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अमेरिका की ईरी झील है और एक मिशिगन झील है, ठीक है, तो ये यूएसए में ही है, ईरी झील एंड मिशिगन झील, ठीक है। और इसमें से जो हमारी नेक्स्ट झील आती है वो है गोटा नहर। गोटा नहर है, तो गोटा नहर कहाँ पर है, गोटा नहर स्वीडन में है फ्रेंड्स, गोटा नहर है स्वीडन में, ठीक है, गोटा नहर, ये गोटा नहर स्वीडन में है। और बात करें अगर गोटा नहर की माय फ्रेंड्स, तो गोटा नहर जो है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है, तो स्टॉकहोम एंड गुटेनबर्ग, ओके, स्टॉकहोम एंड गुटेनबर्ग के बीच। तो ये रोचक जानकारियां हैं जो कि स्वीडन में है, गोटा नहर की बात करें। और उसके बाद आती है हमारी कील नहर, ये कील नहर है जो जर्मनी में है, कील नहर जर्मनी में है, ओके। और कील नहर कहाँ कहाँ के किसके किसके बीच है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर वहां पर है जो जर्मनी में, उत्तर सागर एंड बाल्टिक सागर, ठीक है, तो उत्तर सागर एंड बाल्टिक सागर जो है तो उसके मध्य ये कील नहर पाई जाती है, तो उत्तर सागर एंड बाल्टिक सागर के बीच है कील नहर, ओके फ्रेंड्स। एंड इफ आई एम टेलिंग अबाउट नेक्स्ट, सो उत्तरी सागर नहर है, नेक्स्ट है उत्तरी सागर नहर। तो उत्तरी सागर नहर कहाँ पर है माई फ्रेंड्स, ये भी जर्मनी में ही है, उत्तरी सागर नहर भी जर्मनी में ही है। तो जर्मनी में अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, ये भी उत्तरी सागर हुआ एम्स्टर्डम के बीच है, तो उत्तरी सागर वहां पर है। एंड एक और है एम्स्टर्डम, ठीक है, सो दिस इज एम्स्टर्डम, ओके, एम्स्टर्डम के बीच है टर्डम, तो उत्तर सागर एंड एम्स्टर्डम के बीच ही है। एंड अनदर इज मैनचेस्टर नहर, तो मैनचेस्टर नहर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मैनचेस्टर नहर कहां पर है माय फ्रेंड्स, ये है ग्रेट ब्रिटेन में, तो मैनचेस्टर नहर है ग्रेट ब्रिटेन में, ओके, मैनचेस्टर नहर इज इट एट ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में है मैनचेस्टर नहर। और मैनचेस्टर नहर की बात करें तो मैनचेस्टर नहर से मैनचेस्टर और लिवरपूल जुड़ते हैं, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ओके, सो दिस इज मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ओके। अनदर इज न्यू वाटर वे, सो इफ आई एम सेइंग अबाउट न्यू वाटर वे, सो न्यू वाटर वे जो है वो जर्मनी में है, ओके, न्यू वाटर वे जो है जर्मनी में है, और जर्मनी में है उत्तरी सागर हुआ एम्स्टर्डम, उत्तरी सागर हुआ एम्स्टर्डम को जोड़ती है, सो उत्तरी सागर एंड एम्स्टर्डम, तो न्यू वाटर वे एंड उत्तरी सागर नहर, ये दोनों उत्तरी सागर एंड एम्स्टर्डम को जोड़ती हैं, एम्स्टर्डम,
ओके. सो दिस वॉज माई फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू डिजलेक्स. इन नहरों के बारे में हमारा ये पहला जो लेक्चर था ये यहीं पे ख़त्म होता है. और अब इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें. तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी. सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.